गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा पेंडेलमा का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फोर्थ चैप्टर है हमारा ड्राउट में सूखा, जिसके ऑथर हैं, राइटर हैं शरद चंद्र चटर्जी। अबाउट द राइटर, राइटर के बारे में, शरद चंद्र चटर्जी वॉज ए प्रोमिनेंट बंगाली नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ द अर्ली 20th century। शरद चंद्र चटर्जी एक बहुत ही प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार और लघु कहानीकार थे ऑफ द अर्लियर 20th century, प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के। तो प्रारंभिक 20वीं शताब्दी के शरद चंद्र चटर्जी एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार और लघु कहानीकार थे। मोस्ट ऑफ हिज वर्क, उनका बहुत सी जो कृतियाँ हैं, डील विद द लाइफ स्टाइल, जिसमें शामिल थी लाइफस्टाइल, जीवन शैली, ट्रेजेडी, दुखान, स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल, ग्रामीण लोगों का संघर्ष एंड द कंटेम्प्री समकालीन सोशल प्रैक्टिसेस, सामाजिक गतिविधियाँ दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल, जो उस समय बंगाल में घटित होती थी। तो उनकी अधिकतर कृतियों में जीवन शैली, दुखान, ग्रामीण लोगों का संघर्ष और समकालीन सामाजिक गतिविधियाँ जो बंगाल में हुआ करती थी शामिल हैं। मतलब उनकी कहानियों में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर भी सूखा जो है, तो देखिए ये एक सोशल प्रॉब्लम है, समकालीन उस समय की बंगाल में होने वाली एक समस्या है सूखे, उसका वर्णन इन्होंने इस लेसन में किया है। और सूखा होने की वजह से वहाँ के विलेज पीपल, ग्रामीण लोगों को स्ट्रगल किस प्रकार से संघर्ष करना पड़ा, इसका भी वर्णन हमें इस लेसन में देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर, उस गांव का नाम काशीपुर था। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, ये बहुत ही छोटा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, और यहाँ के जमींदार भी छोटे ही थे। भाई गाँव छोटा हुआ तो जमींदार भी छोटे ही होंगे। येट फिर भी हिज टीनेंट डेयर नॉट स्टैंड अप टू हिम, यहाँ के जो किराएदार थे, मीन्स जमींदार के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, उनमें इतना साहस नहीं था, डेयर नॉट साहस नहीं था स्टैंड अप टू हिम, कि वो उनके सामने खड़े हों, मीन्स उनका विरोध करें। ही वॉज सो रूथलेस, क्योंकि वो जमींदार जो था वो बहुत ही क्रूर था, रूथलेस क्रूर था। इट वॉज द बर्थडे ऑफ हिज यंगेस्ट सन, ये उसके छोटे छोटे बेटे का जन्मदिन था। मतलब आज के दिन जिस दिन की घटना बताई जा रही है, तो आज उस दिन उस जमींदार के छोटे सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन था। इट वॉज नून, और दोपहर का समय था। तारक रत्न द प्रिस्ट वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, तारक रत्न जो कि एक पुजारी था, वो ऑन हिज वे होम अपने घर जाने के रास्ते पर था, फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड्स जमींदार के घर से अपने घर की तरफ जाने के रास्ते पर था। कौन? द प्रिस्ट पुजारी तारक रत्न। वियर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर, जहाँ पर उसे पूजा करने के लिए बुलाया गया था। कहाँ पर? लैंडलॉर्ड के घर, लैंडलॉर्ड जमींदार के घर। क्यों? क्योंकि जमींदार के बेटे का बर्थडे था। देखिए रिलेट हो रहा है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। इट वॉज शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। इट वॉज नियरली द एंड ऑफ मई, ये लगभग मई का अंतिम सप्ताह चल रहा था। बट नॉट ए पैच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, परंतु आसमान में किसी भी प्रकार का बादल का टुकड़ा जो था दिखाई नहीं दिया जा सक रहा था। द रेनलेस फर्मामेंट पावर्ड फायर, और वर्षा रहित फर्मामेंट आसमान जो था पावर्ड फायर, वो आग उगल रहा था। मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि आग उगल रहा था। द फील्ड इन फ्रंट स्ट्रेचिंग आउट टू द हॉरिजन, और जो खेत सामने की तरफ थे वो क्षितिज की तरफ फैले हुए थे, हैड ब्रोकन अप इंटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स इन द बर्निंग ब्लेज, और उसमें 10,000 से भी ज़्यादा जो थी दरारें, फिशर्स दरारें पड़ी हुई थी, और उनमें से बर्निंग ब्लेजेस जलती हुई लपटें जो थी वो निकल रही थी।
एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनचीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक। और ऐसा लग रहा था एज दो मानो कि रक्त से सनी हुई जो मदर अर्थ पृथ्वी थी उनका जीवन जो था निरंतर रूप से बह रहा था वहाँ पर उनका रक्त, और वो रक्त जो था वो धुएँ के स्मोक जो धुआँ था जो गर्मी पड़ने की वजह से जो ज़मीन में से लपटें निकल रही थी उस लपटों की लपटों से बहता हुआ दिखाई दे रहा था। इफ़ वन गेज लॉन्ग एज इट्स राइजिंग, और अगर कोई व्यक्ति वन गेज एक तक लगातार घूरता रहता लॉन्ग लंबे समय तक एट इट्स राइजिंग उस लपटों को जो निरंतर फैल रही थी जो उनका रक्त था धुआं जो निकल रहा था उसको अगर कोई व्यक्ति एक तक काफ़ी लंबे समय तक घूमता रहता गेस्ट घूमता रहता फ्रेम लाइक सीनियर्स मोमेंट, तो उस समय ये जो बहुत ही सीनियर्स मोमेंट ये बहुत ही पापी जो क्षण था मतलब बहुत ही कष्ट देने वाला जो पल था इट लेफ्ट देम वो उस पर अपना प्रभाव छोड़ देता एज इट वर डेज विद ड्रंकनेस, और उसका प्रभाव ये होता कि उसकी आंखें जो थी जिस प्रकार से एक शराबी की आंखें एकदम लाल हो जाती है उस प्रकार से नशे की आंखें उसकी हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि अगर हम उसे देर भर लेते तो भी हमारी आंखें नशे से भरी हुई हो जाती। एट द एंड ऑफ द फील्ड उस खेत के अंत में बिसाइड द रोड सड़क के किनारे देयर स्टूड द हाउस ऑफ कफूर, वहाँ पर कफूर का घर था द वीवर जो कि एक जुलाहा था। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन रुइन, उसके घर की जो मिट्टी की दीवार थी वो रुइन नष्ट हो चुकी थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, और जो आंगन था वो पब्लिक हाईवे से जुड़ चुका था। एंड द इनर प्राइवेसी वॉज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासरबाई, और जो घर की आंतरिक जो गुप्त बातें थी वो वहाँ से गुजरने वाले लोगों की मर्जी दया पर निर्भर हो चुकी थी। हे गफूर इज एनीबडी इन कॉल्ड आउट कैरेक्टर स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ ए ट्री बाय द रोड साइड, सड़क की तरफ एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तारक रत्न ने कॉल्ड आउट जोर से पुकारा, हे गफूर क्या कोई अंदर है? डू यू वॉन्ट फादर इज डाउन विद फीवर, आंसर्ड कफूर्स लिटिल डॉटर एज 10 अपीयरिंग एट द डोर, दरवाजे के पास एक 10 साल की लड़की जो गफूर की बेटी थी ने जवाब दिया, आपको क्या चाहिए? पिताजी तो बुखार से त्रसित हैं। फीवर कॉल द स्टाउंडर तारक रत्न शाउटेड, तारक रत्न चिल्लाया बुखार बुलाओ उस दुष्ट को। द नॉइज ब्रॉट गफूर आउट, इस आवाज़ से गफूर बाहर आया शिवरिंग विद फीवर, और बुखार से कांपते हुए वो बाहर आया। ट्यूबल वॉज टाइड टू द ओल्ड अकेशिया दैट लीड अगेंस्ट द ब्रोकन पॉल, और एक बैल जो था वो पुराने अकेशिया का जो पेड़ था उस पर बंधा हुआ था, और उसका शरीर जो था वो सटा हुआ था, दुबला पतला शरीर जो था वो टूटी हुई दीवार के एक तरफ रखा हुआ लगा हुआ था, जो पेड़ था वो टूटी हुई सी दीवार थी उसके पास था, और वहाँ पर वो बेचारा बैल जो था वो बंधा हुआ था। व्हाट डू आई सी देयर, मैं ये क्या देख रहा हूँ वहाँ? डिमांडेड तारक रत्न इंडिकेटिंग द बैल की तरफ इशारा करते हुए तारक रत्न ने कहा, डू यू रियलाइज दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, क्या तुम्हें पता है कि जमींदार इस सब को टॉलरेट सहन नहीं करेंगे? हिज फेस वॉज क्रिम्सन, उसका चेहरा एकदम लाल हो गया। विथ इंडिग्नेशन एट द हीट ऑफ द सन, और सूरज की गर्मी और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड, ऐसा सोचा गया था माना गया था कि इस वर्ड शुड बी हॉट एंड हार्श, उसके जो शब्द थे तारक रत्न के जो शब्द थे वो बहुत ही कठोर थे और बहुत ही निर्दयीपूर्ण थे।
बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, पर गफूर जो था वो एकदम शांत तरीके से उसको देखे जा रहा था, अनेबल टू फॉलो द इम्पोर्ट ऑफ हिज वर्ड, और ऐसा लग रहा था मानो कि उसके शब्दों को का जो था वो उत्तर देने का देने के योग्य नहीं था, अनुसरण वो कुछ भी नहीं करने योग्य था क्योंकि उसके बुखार हो रखी थी, इसलिए ऐसा लग रहा था कि वो उसके शब्दों पर अनुसरण नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है और केवल वो अपने आप ही बोले जा रहे हैं। वेल सेड तारक, ठीक है तारक ने कहा, आई सॉ इट टाइट देयर इन द मॉर्निंग, मैंने इसे सुबह भी यही बंधा हुआ देखा था, एंड इट्स स्टिल देयर, और ये अभी भी वहीं बंधा हुआ है। इफ द बुल डाइज, अगर ये बैल मर जाता है, योर मास्टर विल प्ले यू अलाइव, तो हमारे मालिक जो जमींदार हैं वो तुम्हारी जिंदा की प्ले चमड़ी उधेड़ देंगे। व्हाट शैल आई डू फादर, मालिक मैं क्या करूँ, आई एम हेल्पलेस, मैं तो निसहाय हूँ, आई हैव हैड फीवर फॉर द लास्ट टू डेज, क्योंकि मुझे पिछले कुछ दिनों से बहुत तेज़ बुखार है, आई कांट टेक हिम आउट टू ग्रेस, मैं इसे चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता हूँ, आई फील सो इल, मैं बहुत ही कमज़ोरी महसूस कर रहा हूँ, कांट यू लेट हिम ग्रेस बाय हिमसेल्फ, तो क्या तुम इसे अकेले को चरने के लिए नहीं छोड़ सकते हो, वेयर शैल आई लेट हिम गो फादर, अब बिल्कुल कह रहे हैं मालिक मैं उसे कहाँ छोड़ूँ, पीपल हैवंट थ्रस्ट देयर पैडी येट, लोगों ने अभी तक अपना अनाज नहीं निकलवाया है, इट्स स्टिल लाइंग इन द फील्ड, वो अभी भी खेतों में पड़ा है, द स्ट्रॉ हैजंट बीन गैदर्ड, और ना ही कईयों का चारा जो है इकट्ठा किया जा चुका है, एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, और सारे जो तिनके वगैरह हैं ज़मीन के वो सारे जल चुके हैं, आग की वजह से जल चुके हैं, देयर इजंट ए ब्लेड ऑफ ग्रास एनीवेयर, और कहीं पर भी घास का एक तिनका भी नहीं है, हाउ कैन आई लेट हिम लूज फादर, तो बताओ मालिक मैं इसे छोड़ कैसे सकता हूँ, ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पैडी, और अगर क्योंकि ये किसी के भी फसल के अंदर अपनी नाक घुसेड़ सकता है, मीन्स चारे में मुँह डाल के उसे खा सकता है, और ईटिंग समबडी स्ट्रॉज या फिर किसी की चारा जो है उसको खा सकता है, अनाज भी खा सकता है और चारा भी खा सकता है। तारक रत्न सॉफ्टवेंट ए लिटिल, तारक रत्न थोड़ा नम्र हो गया, उसके आवाज़ में थोड़ी सी मधुरता आई, बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द शेडो समवेयर, पर तुम इसे कहीं पर छाया में तो बांध सकते हो ना कम से कम, एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, और उसे एक या दो बंडल जो है चारे का घास फूस का वो उसे चबाने के लिए दे सकते हो ना, कम से कम इतना तो कर सकते हो, हैजंट योर डॉटर कुक्ड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं बनाए हैं, वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉइल्ड राइस वाटर, तो क्यों तुम इसे एक टब उबले हुए चावलों का पानी नहीं देते थे, वो दे दो कुछ तो खाएगा, लेट हिम ड्रिंक इट, उसे इसे पी लेने दो, गफूर ने नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया, ही लुक्ड हेल्पलेसली एट तारक रत्न एंड ए डीप साई एस्केप हिम, उसने निसहाय तरीके से तारक रत्न की ओर देखा और एक गहरी सांस ली, आई सी यू हैवंट इनफ गॉट दैट मच, अच्छा मैं ये देख सकता हूँ कि तुम्हारे पास ज़्यादा चारा कुछ नहीं है, वॉट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्टॉक, तुमने अपने हिस्से के चारे का क्या किया, आई सपोज यू हैव गॉन, मैं ये मान रहा हूँ कि तुम निश्चित ही गए होगे, एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बैली, और अपना पेट भरने के लिए अपने आप को संतुष्ट करने के लिए तुमने अपना सारा चारा बेच दिया होगा, नॉट सेफ इवन वन बंडल फॉर द बुल, और यहाँ तक कि बैल के लिए एक बंडल भी नहीं रखा होगा, हाउ कैरियस यू आर, कितने निर्दयी हो तुम, अब तारक रत्न को उस पर आरोप लगा रहे, एट दिस क्रूअल एक्यूसेशन, अब इस प्रकार के निर्दयी आरोप से गफूर सी टू लूज द पावर ऑफ स्पीच, गफूर जो था उसने बोलने की शक्ति खो दी, ऐसा प्रतीत हुआ, मतलब चुप था ना एकदम, तो अब देखो क्या कह रहा है, दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, सेड गफूर स्लोली एट अ मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, गफूर ने धीरे से
कुछ देर हिचकिचाने के बाद कहा कहना शुरू किया, इस साल मुझे अपने हिस्से का चारा हैव रिसीव्ड मिल चुका था, बट द मास्टर कैप्ट इट ऑल ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, परंतु मालिक ने पिछले साल का जो मेरा बकाया था उसकी एवज में मेरा सारा जो चारा था इस साल का वो रख लिया। सर यू आर आवर लॉर्ड, मालिक आप तो भगवान हैं मेरे, एंड मास्टर और मालिक स्वामी भी हैं। आई एम्प्लोर फॉलिंग एट हिज फीट, और वो उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। वेयर एम आई टू गो इफ आई लीव योर डोमेन, मैं कहाँ जाऊँगा आपके इस साम्राज्य डोमेन साम्राज्य को छोड़कर अगर मैं चला जाता हूँ तो, आई गो टू मैं कहाँ जा सकता हूँ। लेट मी हैव एट लीस्ट ए लिटिल स्ट्रॉ, तो इसलिए मुझे कम से कम थोड़ा सा चारा तो आप दे दो। देयर इज नो स्ट्रॉ ऑन माई रूम, क्योंकि मेरी घर की छत पर भी किसी प्रकार की भी का चारे की जो परत है वो नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, और हमारे पास केवल एक ही झोपड़ी है जहाँ मैं और मेरी बेटी दोनों रहते हैं। वी विल पैच द रूफ विद पाम लीव्स, और हमें छत को ठीक करने के लिए पाम की पत्तियाँ लगानी पड़ती हैं। एंड मैंने दिस पाम की पत्तियाँ जो हैं वो इस बार हम लगाएंगे, और मैंने दिस रेनी वेदर और इस वर्षा का जो मौसम है इसको हम संभालेंगे समहाउ किसी भी प्रकार से, क्योंकि हमारे पास तो झोपड़ी की छत लगाने के लिए भी चारा नहीं है। बट वट विल हैपन टू अवर महेश विदाउट फूड, परंतु महेश का क्या होगा बिना भोजन के। तो इसलिए मालिक आप थोड़ी दया करें और थोड़ा सा चारा दे दें, भाई हम तो मैनेज कर लेंगे पत्तियाँ वत्तियाँ लगा के। इंडीड हाँ वास्तव में, सो यू आर फॉन्ड इनफ ऑफ महेश, दिस इज़ इट जू। ओ अच्छा, तो तुम्हें अब महेश की इतनी चिंता हो रही है, ये एक मजाक तो लगी रहा है, बिकॉज उस पर व्यंग कर रहा है। उसने कहा भाई हम तो चला लेंगे पाम की पत्तियाँ लगा के, पर महेश का क्या होगा, इसलिए थोड़ा सा चारा दे दो। देखो वो मांग रहा है और उसने व्यंग कर दिया। बट दिस सारा का इसमें डिड नॉट रीच गफूर, परंतु इस प्रकार का जो व्यंग था गफूर इसको नहीं समझ सका। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन हिम, परंतु उस मालिक ने हम पर किसी प्रकार की मुझ पर दया नहीं दिखाई। ही वेंट ऑन, उसने अपनी बात जारी रखी। ही गेव मी पैडी टू लास्ट ओनली 2 months, उन्होंने केवल मुझे जो अनाज था वो पिछले 2 महीनों के लिए ही दिया था। माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ वॉज एडेड टू हिज ओन स्टॉक, और मेरा जो चारे का हिस्सा था वो उन्होंने अपने स्टॉक में रख लिया। महेश डिडंट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, महेश को तो उसमें से एक दिन का भी खाने को नहीं मिला। वेल डोंट यू ओ हिम मनी, ठीक है तो तुम उन्हें रुपए नहीं देते होगे, सेड तारकरत्न अनमोल, बिना हिले तारकरत्न ने कहा। वाई शुडंट यू हैव टू पे, तुम उन्हें रुपए क्यों नहीं देते हो भाई, तुम्हें उन्हें रुपए देने चाहिए। डू यू एक्सेप्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम ये चाहते हो कि जमींदार तुम्हें सहारा ही देते रहे सारे दिन और तुम उन्हें रुपए ही ना दो। बट वॉट एम आई टू पे हिम विद, परंतु मैं किस प्रकार से उन्हें पे कर सकता हूँ, कीमत चुका सकता हूँ। वी टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, हम तो अभी भी उनके लिए ही 4 बीघा ज़मीन जो है करते हैं। बट द पैडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड्स ड्यूरिंग द ड्राउट इन द लास्ट 2 years, पर पिछले 2 सालों से जो है हमारे खेत में सूखा पड़ रहा है और सारी फसल जो है वो सूख जाती है, तो किस प्रकार से मैं उनको कीमत चुकाऊँ। माई डॉटर एंड आई, मैं और मेरी बेटी, नॉट इवन इनफ टू ईट, दोनों के पास ही पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं है, तो हम मैं कीमत कैसे चुकाऊँ। लुक एट द हट, देखिए मेरी झोपड़ी को। व्हेन इट रेन्स, जब वर्षा होती है। आई स्पेंड द नाइट विद माई डॉटर हडल्ड इन वन कॉर्नर, वी कांट इवन स्ट्रेच अवर लेग्स, और जब वर्षा होती है तो मैं और मेरी बेटी जो है पूरी रात हडल उकड़ू बैठकर
इन वन कॉर्नर एक कोने में बैठे रहते हैं उपरू वी कांट और हम इवन स्ट्रेच ओवर लेग्स हमारे पैर भी नहीं फैला सकते हैं, इतनी ज़्यादा दयनीय अवस्था हमारी हो जाती है। लुक एट महेश, महेश की तरफ देखिए। यू कैन काउंट हिज रिब्स, आप इसकी पसलियाँ गिन सकते हैं। डू लैंड मी ए बिट ऑफ हे फॉर हिम, तो प्लीज़ मुझे उसके लिए थोड़ा सा चारा दे दीजिए। सो दैट ताकि ही कैन हैव समथिंग टू ईट फॉर ए डे और टू, ताकि एक या दो दिन के लिए उसके पास कुछ खाने के लिए हो जाए। एंड गफूर सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड एट तारक रत्न फीट, और फिर गफूर तारक रत्न के पैरों पे जमीन पर ही लेट गया। मूव असाइड, नहीं नहीं चलो चलो एक तरफ हो जाओ, लेट मी गो होम, इट्स गेटिंग लेट, मुझे घर जाने दो, बहुत देर हो गई है। तारक रत्न मेड ए मूवमेंट एज दो टू डिपार्ट, तारक रत्न ने इस प्रकार की गतिविधि की मानो कि वो जा रहा है। स्माइलिंग गुड गॉड, स्माइलिंग फिर मुस्कुराते हुए उसने बोला, गुड गॉड हे भगवान, ही सीम्स टू ब्रैंडिश हिज हॉर्न एट मी, ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी जो हॉर्न सिंह हैं वो मेरी तरफ ही घुसाएगी। विल ही हर्ट, क्या ये मुझे चोट पहुँचाएगी, पहुँचाएगा। ही क्राइड आउट विथ फ्राइट एंड एंगर, गुस्से और क्रोध से वो चिल्लाया। स्लीपिंग हर्रीडली बैक फ्रॉम द, और बैल की तरफ से वो पीछे की तरफ जल्दी से हो गया, कदम पीछे की तरफ बढ़ा दी उसने, अरे बैल के पास आ गया था, अब बैल से थोड़ा दूर हो जाता है। गफूर स्टैगर्ड टू हिज फीट, गफूर जो था उसके पैरों पर ही स्टैगर्ड रगड़ा गया, मतलब लेटा हुआ तो था ही और ज़्यादा रेंग गए। ही वॉन्ट्स टू ईट ए हैंडफुल, वो तो मुट्ठी में खाना ही चाहता है, ही सैड गफूर ने कहा। इंडिकेटिंग द वेट बंडल ऑफ राइस एंड फ्रूट इन तारक रत्न हैंड, तारक रत्न के हाथ में जो बने हुए चावल थे और जो फल थे उसकी तरफ इशारा करते हुए गफूर ने कहा, वो तो बस थोड़ा सा मुट्ठी में खाने का इच्छुक है और कुछ नहीं है, वो नहीं मारेगा आपको। वॉन्ट्स टू ईट, खाना चाहता है, इंडीड वास्तव में, लाइक मास्टर लाइक एनिमल, जैसा इसका मालिक वैसा ये नौकर है, एकदम चुप्पू। हैज़न्ट गिवन ए बिट ऑफ स्ट्रॉ टू ईट, एक दिन का चारा नहीं है खाने के लिए। एंड मस्ट हैव राइस एंड फूड, और इनको चावल और फल चाहिए खाने के लिए। वाह भाई, देखो फिर से व्यंग कर दिया उसने। टेक हिम अवे एंड टाई हिम समवेयर एल्स, चलो यहाँ से इसको दूर ले जाओ और कहीं और बांधो इसे। बट हॉर्स, अरे वाह कितने तीखे इसके सींग हैं, ही विल गोर समबडी टू डेथ वन ऑफ दीज डेज, और इन दिनों ऐसा लगता है मानो कि ये किसी न किसी व्यक्ति को तो जरूर ही मार देगा। एजिंग अवे किनारे की तरफ जाते हुए द प्रिस्ट मेड ए क्विट एग्जिट, पुजारी ने जल्दी से वहाँ से प्रस्थान कर लिया। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उसकी तरफ देखते हुए गफूर साइलेंटली वॉच महेश, चुपचाप महेश की तरफ गफूर देखने लगा। हूज टू डीप ब्राउन आइज वर फुल ऑफ पेन एंड हंगर, जिसकी दो गहरी भूरी आँखें पूरी तरह से भूख और दर्द से भरी हुई थी। डिडंट इवन गिव ए हैंडफुल, नहीं दिया ना उसने, एक मुट्ठी भर भी नहीं दिया उसने, ही मटर, गफूर बुदबुदाया। पैटिंग द बुल्स नेक एंड बैक, बैल के गर्दन और पीठ पर थपथपाते हुए उसने धीरे धीरे कहा, यू आर माई सन महेश, महेश तुम मेरे बेटे हो, ही विस्पर्ड टू मी, फिर से वो धीरे धीरे बोलने लगा, यू हैव ग्रोन ओल्ड, अब तुम बूढ़ी हो चुके हो, एंड सर्व अस फॉर 8 ईयर, और तुमने 8 साल तक बहुत सेवा की है मेरी। आई कांट इवन गिव यू इनफ टू ईट, पर मैं तुम्हें पर्याप्त खाने के लिए भी नहीं दे सकता हूँ। बट यू नो हाउ मच आई लव यू, पर तुम तो जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, डोंट यू, क्या नहीं जानते। महेश ओनली स्ट्रेच आउट हिज नेक, महेश ने केवल अपना सिर नेक गर्दन आगे की, एंड क्लोज हिज आइज विद प्लेजर, और खुशी से अपनी आँखें बंद कर ली। टेल मी वेंट ऑन, कपूर अपनी बात आगे जारी रखते हुए बोलने लगा, चलो मुझे बताओ, हाउ कैन आई कीप यू अलाइव इन दिस ड्रेडफुल ईयर, कि मैं कैसे तुम्हें इस भयानक साल में जिंदा रख सकता हूँ। इफ आई लेट यू लूज, अगर मैं तुम्हें खुला छोड़ दूँ, यू विल स्टार्ट ईटिंग अदर पीपल्स पैडी, तो तुम अन्य लोगों के जो
अनाज है उसको खाना शुरू कर दोगे और मंचिंग देर बनाना लीव्स या फिर उनके केले की पत्तियों को चबाने लग जाओगे। वॉट कैन आई डू विद यू, तो बताओ अब मैं क्या कर सकता हूँ। यू हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर में भी अब ताकत नहीं शेष है, नहीं बची है। नो बडी वॉन्ट्स यू, इसलिए कोई भी तुम्हें नहीं चाहता है। दे आस्क मी टू सेल यू एट द कैटल मार्केट, वो तो मुझे बोलते हैं कि मैं तुम्हें मवेशियों के बाजार में जाकर बेच दूँ। एट द वेरी आइडिया हिज आई फिल्ड विद टीयर्स अगेन, और मवेशी बाजार का नाम आते ही उसकी आंखों में फिर से आंसू भर गए। वीपिंग हिज टीयर ऑन द बैक ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पिछवाड़े से उसने अपने आंसू को पोंछा। एंड लुक दिस वे, और इस तरीके से देखा, एंड दैट मतलब यहाँ वहाँ देखा। ही फेच ए टाइनी बंच ऑफ डिस कलर पोल्स फ्रॉम बिहाइंड द हट, और फिर वो झोपड़ी के पीछे से रंग उड़ी हुई जो पुराने चारे का घास फूस का जो बंडल था उसको खींच कर ले आए। ईट इट क्विकली माई चाइल्ड, मेरे बेटे जल्दी जल्दी से खा लो, अदरवाइज नहीं तो, ही सैड, उसने कहा। सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, धीरे से उसे महेश के सामने रखते हुए उसने कहा। फादर, पिताजी, व्हाट इज इट, ये क्या है? कम एंड ईट, आओ और खाना खा लो, आंसर कपूर जाकर कपूर की बेटी ने जवाब दिया। लुकिंग आउट द डोर, दरवाजे के बाहर की तरफ देखते हुए उसने कहा। व्हाई हैव यू अगेन गिवन महेश स्ट्रॉ फ्रॉम द रूफ, आपने फिर से क्यों अपनी छत की जो घास फूस थी उसको महेश को खाने के लिए क्यों दे दी फिर से? ही हैड फियर्ड एज मच, वो थोड़ा डर चुका था। इट्स ओल्ड स्ट्रॉ, इट वॉज रोटिंग अवे, ये तो पुराना था जो सड़ चुकी थी, ये आंसर गप्पू ने जवाब दिया अशेम लज्जा के साथ। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि वो इनको भोजन नहीं करा पा रहा था। आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, पिताजी मैंने इसे आपको छत पर से खींचते हुए देखा सुना था। नो डार्लिंग इट्स वॉजंट एक्सैक्टली, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये तो खराब सड़ चुका था, फेंका हुआ था। बट यू नो फादर द वॉल विल क्रम्बल, पर आप जानते हैं पिताजी दीवार जो है वो टूट चुकी है, अब छत भी चली जाएगी तो और ज़्यादा टूट जाएगी। गफूर वो साइलेंट, गफूर चुप था। ही हैड नथिंग लेफ्ट बट दिस हट, उसके पास झोपड़ी के अलावा कुछ भी शेष नहीं था। हु न्यू बेटर देन ही दैट अनलेस ही वॉज केयरफुल इट वुड नॉट लास्ट अनदर रेनी सीजन, और कौन नहीं जानता था उसके सिवा कि इस प्रकार की जो दीवार है अगला वर्षा की ऋतु जो है वो सावधानीपूर्वक गुजार पाएगा या नहीं गुजार पाएगा, मतलब अगली वर्षा तक ये घर टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। एंड येट वॉट गुड वॉज इट रियली, और अभी भी यही था कि ये वर्षा की ऋतु भी अच्छी तरह बीत पाएगी या नहीं बीत पाएगी। वॉश योर हैंड्स एंड कम एंड ईट, आई हैव सर्व यू फूड, सैड द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने कहा। आओ और खाना खा लो, मैंने आपका भोजन परोस दिया। गिव मी द राइस वाटर, लेट मी फीड हिम, मुझे चावल का पानी दे दो, मैं उसे खिलाया था। देयर इज नन फादर, पिताजी नहीं है, चावल का पानी तो है ही नहीं। इट वॉज ड्राइड अप इन द पॉट, तो बर्तन में ही सूख चुका है। अब ऐसा क्यों भाई, सूखा था ना, पानी कम था तो कम पानी में उसने चावल बना लिए, तो इसलिए चावलों का पानी रहा ही नहीं। नियरली ए वीक हैड पास्ट, अब देखिए यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है, अब हम आगे का नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू।